हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इग्नू की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन आई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि जून 2021 में जो बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे वो अब पोस्टपोन हो गए हैं। कब तक पोस्टपोन हुए इसके लिए आगे अपडेट कर दिया जाएगा, अभी कोई इसके लिए अपडेट नहीं है। और साथ ही साथ जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले थे जून में, उनको अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने हैं, तो आप सभी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो न्यू बच्चे जिन्होंने कि अभी जेन फैम में जो अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुए थे अभी 2021 में, जिन्होंने एग्ज़ाम एडमिशन लिया है, ठीक है, वो बच्चे इस फॉर्म को ना फिल करें। आपके जो पहले वाले बच्चे हैं उनके लिए ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो वही बच्चे इसका फॉर्म फिल करें। फ्रेंड्स, ये आपके जो फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जून के लिए जो फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे, वो होंगे 17 मई से लेकर 15 जून तक। तब तक आप अपने एग्ज़ाम फीस पे कर सकते हैं, 200 पर सब्जेक्ट आपको ये पे करने होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप फॉर्म में आपका सेंटर सेलेक्ट करोगे, जो इग्नू है वो पूरी कोशिश करेगा कि वही सेंटर आपको दिया जाए, लेकिन ड्यू टू कोविड आपको हो सकता है कि सेंटर जो है वो आपका चेंज कर दिया जाए। सभी स्टूडेंट को असाइनमेंट जमा करना कंपलसरी है, अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो असाइनमेंट सभी स्टूडेंट जरूर जमा करें। असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है वो है 31 मई, आप तब तक अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, असाइनमेंट अगर आपको सॉल्व चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर एग्जाम फीस पे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन सर से जो है वो बात कर सकते हैं, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जिन बच्चों ने 2020 देखिए जून 2020 दिसंबर 2020 या फिर जून 2021 के लिए अप्लाई किया था, और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए उनका जो कोर्स है वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आप सभी स्टूडेंट जो है वो इनको इस नंबर पर एंड मेल पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारा जो कोर्स है वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आपने दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम दिया है और अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप सभी स्टूडेंट 15 जून तक वेट करें, तब तक आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल ना करें। अगर 15 जून तक भी आपका रिजल्ट नहीं आता है, नहीं रिफ्लेक्ट करता है, तो उस केस में आप जो अपनी एग्ज़ाम फीस है उसको पे कर सकते हैं। आपको टीएमए असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर टीएमए से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी अपडेट होगा आपको टाइम से बता दिया जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।